हवा में थोड़ी थोड़ी खनकी बता रही है कि इट्स अ फ्लू सीजन एंड दिस ओनली मीन्स वन थिंग, गर्मा गर्म सूप। तो भी हमारा दिल हुआ कि चलो चलते हैं यखनी पीने या फिर गर्मा गर्म कॉर्न सूप। तो फिर हम निकले नाजमाबाद 2 नंबर से अपनी फैमिली के साथ, PSO पंप के सामने से ईद का ग्राउंड क्रॉस करते हुए पापोश वाली रोड पर बिल्कुल नाक की सीध में चलते हुए। बाप स्वीट क्रॉस करते हुए और अब्बासी शहीद के रोड पर सीधे सीधे चलते हुए हमने सोचा ये हम कहाँ आ चुके हैं। तो हमने कहा चलें अब यहाँ से और आगे जाया जाए और देखें कहाँ मिलता है हमें यमी और टेस्टी सा सूप। तो यहाँ हमें कुछ रेल की पटरियाँ दिखाई दी और एक बड़ा सा ब्लैक गेट, तो हम उसके अंदर दाखिल हुए और क्या देखते हैं भाई, यहाँ तो एक हुजूम और रश लगा हुआ है यखनी और कॉर्न सूप पर। गर्मा गर्म बटेर को जब नहला धुला कर इस तरह ट्रे में सजाया जाए तो आय हाय चसी आ जाए। तो फिर हमने मंगवाया इनका मेन्यू कार्ड और लिया हमने सबसे मशवरा कि क्या पिया जाए। तो कुछ का ख्याल था यखनी का और कुछ का ख्याल था कॉर्न सूप का। तो हमने मिले जुले ख्यालात से मंगवाया यखनी और कॉर्न सूप। तो यखनी थी हमारी बटेर की यखनी, तो हमने कहा चलो ट्राई की जाए कैसी थी बटेर की यखनी। तो हमने ऑर्डर दिया बटेर की यखनी और चिकन कॉर्न सूप का। जी तो यहाँ हो रही थी गर्मा गर्म सूप की तैयारी और लग रहा था उसमें मसालेदार तड़का। तो हमने लिया एक प्याला और हमने लगाया टेस्ट का एक धमाकेदार सिप और पीते ही लगा कि वाकई कुछ पिया। तो आप सब भी आएं और यहाँ का बटेर का यखनी सूप ज़रूर ट्राई करें। जी आ गया हमारा ऑर्डर यखनी और कॉर्न सूप का। तो हमने एक बटेर भी मंगा के ट्राई किया और साथ में बटेर का छोटू सा अंडा। तो आप भी ज़रूर आइएगा और यहाँ का सूप ट्राई कीजिएगा। हमें यहाँ का बटेर का यखनी बहुत 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 पसंद आई, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।